एज अ पिलियन जिक्सर कैसी है? ठीक है, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो अभी शुरुआत हो रही है संडे राइड की दिल्ली से। मैं जा रहा हूँ अभी सागर सुजुकी, जो कि है झंडे वालन में। एंड आज सागर सुजुकी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं एक सुजुकी की राइड, तो वहाँ पे सारी सुजुकी की बाइक्स आने वाली है, मोस्टली जिक्सर। एंड अपने ग्रुप के जो हैवी राइडर्स ग्रुप के दो लोग उसमें और एडेड हैं, तरुण भाई और सोनू भाई। तो वो लोग पहले से पहुँचे हुए हैं बिल्कुल टाइम पे। मैं थोड़ा सा लेट हूँ थोड़ा सा, तो मैं भी अभी भगा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं एंड उसके बाद लाइट अप दिखाते हैं। एंड उसके बाद जो हम क्लेम करते हैं ना कि हमारी जिक्सर पूरी दिल्ली में एक है, वो भी आज देख लेंगे, क्योंकि आज वहाँ पे बहुत सारी जिक्सर आएगी। देख लेंगे वहाँ से कौन सी यूनिक है, अगर वहाँ पे कुछ अच्छी सी होगी, कुछ अच्छा मॉडिफिकेशन उन्होंने किया होगा, तो मैं भी उसको ज़रूर से अप्लाई करूँगा अपनी बाइक पर। बाकी अपनी बाइक तो है ही एक, है ना। तो मिलते हैं सीधा सागर सुजुकी पे। सो फाइनली हेयर वी आर एट सागर सुजुकी झंडे वालन। ये है सुजुकी का शोरूम, आसपास में KTM है और आगे और भी शोरूम्स हैं। तो यहाँ पे अपने सोनू भाई और तरुण भाई आ चुके हैं। हेलो भाई, ये तो जानते ही हैं। जानते ही हैं। तुषार। सो फाइनली बाइक्स यहाँ पे आ चुकी हैं एंड वी आर रेडी टू फ्लैग ऑफ। थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं शायद और राइडर्स का, सारी जिक्सर है ऑलमोस्ट। एंड नाउ जल्दी से जल्दी वी आर रेडी टू रोल। तो भाई अभी का सीन ऐसा ही है, देखो ये KTM का शोरूम है ना, यहाँ पे KTM और यामाहा की बाइक्स आई हुई हैं। ये लोग जा रहे हैं मूर्थल यहाँ से, एंड ये देखो भाई अपना सुजुकी का लाइनअप। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से लेपर्ड ट्रेल, और भाई अपनी बाइक अभी तक यहाँ पे सबसे लिमिटेड एडिशन है, मतलब एक और भी बाइक है यहाँ पे जो लिमिटेड एडिशन है यहाँ पे, बट हमने जो बाइक में काम करवाया हुआ है ना वो बिल्कुल ही अलग है, तो वी आर प्राउड। सो दोस्तों फाइनली जो है फ्लैग ऑफ हो चुका है एंड नाउ वी आर रेडी टू रोल। एंड ये हैं हमारे तरुण भाई, हम बस वेट कर रहे हैं एक और राइडर का एंड नाउ वी आर रेडी टू रोल ऑन द रोड्स ऑन द हाईवेज। सो मिलते हैं आपको हाईवेज पे, ठीक है। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत जाम लगा हुआ है। एक बार बाहर निकल गए तो उसके बाद हम मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। ओके जी, चलो मिलते हैं फिर हाईवे पे। सो दोस्तों फाइनली वी आर ऑन द हाईवे और अभी हम लोग जा रहे हैं थ्रॉटल लेपर्ड ट्रायल की तरफ। तो ये सारे अपना ग्रुप है, मोस्टली जिक्सर है एंड मैं भी सबसे पीछे हूँ। मेरे पीछे एक और राइडर है, बाकी सारे अपने लोग आगे निकल चुके हैं। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सी बाइक है। तो अभी बड़ा मज़ा आ रहा है, हम लोग भगा रहे हैं फुल पावर
बट वही है ना, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। अगर आपको टाइम दिखाऊँ यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो इट इज़ अराउंड 9:23, तो काफ़ी लेट हो चुका है। जो जॉब वाले हैं वो भी निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा रश है। एंड ये जयपुर वाला रोड है तो इस वजह से यहाँ पे क्राउड ज़्यादा ही रहता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सुजुकी की तरफ से जो ये राइड ऑर्गेनाइज करी है। बिग शाउट आउट टू सागर सुजुकी, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम कुछ गिव अवेज भी होंगे, तो अगर आपको भी इस राइड पे, ऐसी राइड्स पे हमें ज्वाइन करना है तो कमेंट कर सकते हो। अगर आप भी जिक्सर ऐसे फ़ोन करते हो एंड आप भी दिल्ली एनसीआर से हो, इन भाई ने जो है नंबर लिया हुआ है 777, स्पेशली 5000 एक्स्ट्रा पे किए हैं इस नंबर के। एंड भाई ये देखो ऑटो से लोग देख रहे हैं, भाई लोगों को मज़ा आता है ऐसे बाइक्स देखने में एंड हमें मज़ा आता है बाइक्स चलाने में। एंड आप लोगों का लाइक मिलता है, कमेंट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। वैसे तो अभी थ्रॉटल शॉटल जाएंगे एंड फिर वहाँ पे देखते हैं। सोच रहा हूँ मैं कि बाकी सबसे पूछूँ कि भाई आप लोगों ने जिक्सर क्यों लिया, क्या रीज़न है उसके पीछे, एंड एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बताओ। तो यहाँ पर सारे जिक्सर ओनर्स जो हैं वो आपको बताएंगे, तो आप एक आइडिया ले सकते हो कि आप अगर अपनी बाइक फ्यूचर में प्लान कर रहे हो तो बहुत तो कंफ्यूज रहते हैं ना कि जिक्सर SF लें या फिर R15 लें, तो ये लोग आपको जो बताएंगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलेंगे और वहाँ पे जाके इन सब का छोटा सा इंटरव्यू लेंगे एंड फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। ओके, सो फाइनली जो है हम लेपर्ड ट्रायल आ चुके हैं एंड भाई अपने राइडर सारे आ गए एंड मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर रहा हूँ। एकदम यहाँ पे आके आती है पहाड़ों वाली फीलिंग, एंड अभी जो इतना बढ़िया धूप निकल रही है तो इतना मज़ा आ रहा है ना भाई, फुल पावर। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. ये देखो भाई क्या मिस हैपनिंग हो गई, एंड सामने चल रही है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, आप देख सकते हो भाई बढ़िया लेंस वेंस लगा के फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे। You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
सी बाइक है तुम्हारे पास? है बाइक कौन सी? अभी हम कुछ अभी डिस्पेशन में अभी हम जिक्सर 150 एक अच्छी बात और एक जो उसमें कमी है। कमी है भाई साइड के इंडिकेटर, उसके टूटने का बड़ा डर रहता है। और एक अच्छी बात एडवांटेज, मजा आता है बस और क्या। जिक्सर है सर 150। एक अच्छी बात एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। अच्छी बात भक्ति सही है और डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज इसका एबीएस सही नहीं लगा मेरे को। सीसी कम है, एबीएस सही नहीं लगा, पिकअप कम। कौन सी बाइक है? जिक्सर 250 सर। एडवांटेज डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज तो यही है कि आपका वेदर छोटा है आगे का, हाँ उसको बड़ा करना पड़ता है, हाँ आफ्टर मार्केट हो जाता है वो। आफ्टर मार्केट हो जाता है। डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ये तो बताया मैंने। और एडवांटेज तो यही है कि स्पीड अच्छी है, स्पीड अच्छी है। रेडी रेट 150। एडवांटेज डिसएडवांटेज? एडवांटेज में गुड लुकिंग है, डिसएडवांटेज ये है कि 3-4 किलोमीटर चलाने वाले गेट डाउन करना दिक्कत आती है। ओके ओके, और हर बार कराना पड़ता है। कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं, ये कंफर्टेबल अच्छी है। कमेंट करेंगे लोग, प्राउड ओनर। एडवांटेज डिसएडवांटेज? एडवांटेज ही है। और डिसएडवांटेज अभी तक कुछ नहीं लगा? नाइस नाइस। बाइक कौन सी आपके पास? एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज कोई नहीं है, एवरेज से खुश हो। सर्विस, आफ्टर मार्केट, पार्ट्स? अभी जैसे कुछ पड़ी है, 2 महीने पुरानी है मेरी तो। ओके ओके, आप कौन सी बाइक यूज करते हो? जिक्सर 250। एडवांटेज और डिसएडवांटेज? इंजन बहुत अच्छा है, पिकअप भी अच्छा है। ओके, और डिसएडवांटेज पार्ट्स थोड़ा सा बेटर हो सकता था। ओके ओके, अभी भी जंग आ रहा है थोड़ा जगह में। ओके, इट शुड बी बेटर। ओके थैंक यू। एज अ पिलियन जिक्सर कैसी है? ठीक है, मतलब लॉन्ग राइड्स कर सकते हो, फिर संडे राइड्स के लिए सही है? संडे राइड्स के लिए तो एकदम ठीक है, लॉन्ग राइड तो अभी नहीं तो। ओके ठीक है, थैंक यू। सो दोस्तों फाइनली अभी का सीन ऐसा है, खाना पीना हमारा हो चुका है एंड नाउ वी आर रेडी टू रोल। हम सब जा रहे हैं वापस टूवर्ड्स दिल्ली। सो फीडबैक आई गेस आपको अच्छा लगा होगा जिक्सर से रिलेटेड, सब ने अपना अपना फीडबैक दिया एज अ पिलियन एज अ राइडर। तो आई एम श्योर आप लोग फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि जिक्सर का फीडबैक कैसा है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बाकी सब में अपनी बाइक बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट बनाई हुई है हमने, ऐसे ही प्यार रहा तो हम इस बाइक में और भी चीज़ें करवाएंगे नई नई। सो नाउ वी आर रेडी टू रोल एंड ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, ऊपर चले गए हैं। सो अभी यहाँ पे रुके हैं हम लोग थोड़ी सी फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा व्यू मिल गया तो यहाँ पे अभी करेंगे थोड़ी सी फोटोग्राफी। सो दोस्तों देख सकते हो आप लोग गली मोहल्ले के अंदर आ गए हम, हमें रोड क्रॉस करना है तो इसीलिए हम लोग जो है सबवे से जा रहे हैं। ये हो गया सबवे ओपन। हाँ जी वेलकम टू दुबई। तो ये है साइबर सिटी, अगर पहली बार आप आओगे तो आपको दुबई वाली फीलिंग आने वाली है यहाँ पे आके। तो सारे लोग अभी अपने अपने घर को निकल चुके हैं, मतलब सारे ऑलमोस्ट दिल्ली से ही थे, मैं ही फरीदाबाद से आया था। तो मैं भी अभी फरीदाबाद के लिए निकल रहा हूँ एंड अभी हम हैं गुड़गांव में साइबर सिटी में। तो मैंने सोचा ये जगह भी आपको दिखा दूं। वैसे तो मोस्टली जो दिल्ली NCR से होंगे उन्होंने ये जगह देखी होगी, जॉब करते होंगे या आते जाते होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स होम। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सुजुकी की जो इनिशिएटिव है उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया था वो आपको अच्छा लगा होगा। बिग शाउट आउट टू सागर सुजुकी एंड उनके ओनर जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज़ किया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया सी वीडियो में ऐसे बढ़िया से नज़ारे के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ एंड बाय बाय।